ये वर्ल्ड कप फाइनल तो नहीं था, मगर भारत और पाकिस्तान इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के लिए ये किसी फाइनल से कम भी नहीं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस मैच में जीत कितनी मायने रखती है, खासकर पाकिस्तान के लिए। ये नज़ारे पाकिस्तान के हैं, आवाम झूम उठी है, चारों ओर जश्न का माहौल है। आखिर 29 साल बाद पाकिस्तान ने भारत को किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में शिकस्त दी है, और ये भी कोई ऐसी वैसी जीत नहीं, 10 विकेटों से जीत दर्ज की है। जीत यकीनन बड़ी थी और इस बड़ी जीत को हासिल करने के लिए बड़े कारनामे करने थे, भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों पर हावी होना था, और वो करके दिखाया पाकिस्तान की टीम ने। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने तो शानदार तरीके से चेज कर दिखाया, मगर इस जीत की नींव रखी 21 साल के पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने। भारत के टॉप 3 बल्लेबाजों का विकेट लेने वाले शाहीन अफरीदी ने अपना इस मैच में लोहा मनवा दिया। यकीनन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पाकिस्तान के फेवर में गया, पर इसका भरपूर फायदा उठाया इस 6 फीट 6 इंच के गेंदबाज ने। भारत की शुरुआत खराब रही, पाकिस्तान के इस गेंदबाज ने जल्द ही दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और लोकेश राहुल को पवेलियन भेज दिया। अफरीदी ने रोहित और राहुल को आउट करने के बाद कप्तान विराट कोहली को भी अपना तीसरा शिकार बनाया। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान किसी T20 वर्ल्ड कप में कोहली को आउट कर पाया हो। हालांकि कोहली ने 57 रनों की जोरदार कप्तानी पारी खेली। पाकिस्तान को 152 का टारगेट मिला, जो बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी ने 13 गेंद रहते हासिल कर लिया। अब नई गेंद से जिस तरह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने मैच के पहले और तीसरे ओवर में ही रोहित शर्मा और केएल राहुल को आउट किया, उनकी तुलना वसीम अकरम से होने लगी। सुल्तान ऑफ स्विंग से तुलना कोई छोटी मोटी बात नहीं। बता दे, रोहित शर्मा बिना खाता खोले ही चलते बने, शाहीन ने उन्हें LBW किया। वही केएल राहुल का डिफेंस शाहीन की गेंदबाजी के आगे फेल साबित हुआ, शाहीन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें, इस लेफ्ट आर्म पेसर को शुरुआती झटके देने के लिए जाना जाता है। रविवार को भारत के साथ महामुकाबले में भी शाहीन ने अपनी इस इमेज को गलत साबित नहीं होने दिया। बता दें, क्रिकइन्फो में छपे आर्टिकल के अनुसार 61 मैचों में 20 बार शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में विकेट चटकाए हैं। शाहीन का जन्म साल 2000 में 6 अप्रैल को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। साल 2018 में शाहीन ने तीनों फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। उनके भाई रियाज अफरीदी पाकिस्तान के लिए साल 2008 में 1 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा की शादी शाहीन से होने वाली है। इसी साल शाहिद अफरीदी ने खुलासा किया था कि शाहीन की सगाई उनकी बेटी अक्सा से हो गई है। शाहिद अफरीदी का कहना था कि शाहीन उनके रिश्तेदार नहीं है। अफरीदियों में 8 जनजातियां होती हैं और शाहीन का परिवार और शाहिद का परिवार अलग अलग जनजातियों से हैं। शाहिद अफरीदी की बेटी अक्सा मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं और शाहीन क्रिकेट में मसरूफ है। ऐसे में अफरीदी का कहना है कि शादी होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपको बता दें, शाहिद अफरीदी नंबर 10 की जर्सी पहना करते थे और अब शाहीन शाह अफरीदी भी नंबर 10 वाली जर्सी पहनते हैं। बता दें, शाहीन आज के समय में पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय में तेजी से सुधार किया है। रविवार को खेले जा रहे मैच से पहले शाहीन ने 30 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 32 विकेट लिए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाजों को बाएं हाथ का ये पेसर खासतौर से परेशानी में डालता है। भारत के खिलाफ मैच जीतने के बाद शाहीन अफरीदी ने बताया कि उन्होंने कोहली को किस प्लान के तहत आउट किया। अफरीदी के मुताबिक बाबर आजम और विराट कोहली की बैटिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, और जो नेट्स में उन्होंने बाबर आजम को गेंदबाजी कर प्रैक्टिस की है, वही प्रैक्टिस कोहली के खिलाफ काम आई। पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 31 रन देकर इस मैच में 3 विकेट अपने नाम किए। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर शाहीन अफरीदी मैन ऑफ द मैच पर कब्जा करने में सफल रहे। पाकिस्तान क्रिकेट को भी एक नया सितारा मिल गया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।